हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज़ कुंदा नारखेड़े मिस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर नंबर 6 डिवाइडेशन पार्ट 1। पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हमको नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइडेशन के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे डिवाइडेशन पार्ट 1 दिया है। सबसे पहले इस लेसन में आपको रिवीजन दी है। पिछले स्टैंडर्ड में यानी थर्ड स्टैंडर्ड में आपने डिवाइडेशन के प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए थे। सिंपल एग्जांपल दिए थे, वो आपने सॉल्व किए थे। तो वो कैसे थे, वो रिवीजन सबसे पहले हमको देखनी है। रिवीजन में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इफ़ 20 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट। 20 चॉकलेट है, कितने 20, और वो 20 चॉकलेट 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। तो हर चिल्ड्रन को, एक चिल्ड्रन को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। बराबर, देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल सॉल्व करके दिया है। क्या करेंगे, चॉकलेट्स कितने हैं 20 और चिल्ड्रन कितने हैं 5, यानी हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड 5। यहाँ पे एग्जांपल राइट किया है 20 डिवाइडेड 5। अभी 5 के टेबल में 20 कौन से नंबर पर आता है, गुड, 4 नंबर पर, यानी 5 4 20। 20 के नीचे 20 राइट किया, 20 माइनस 20 0। बराबर, अगर आपने 5 4 20 किया तो यानी 5 4 आंसर निकाला तो आंसर आएगा 20। बराबर, तो आपका आंसर आ गया 4। तो हर एक चिल्ड्रन को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, 4 4 चॉकलेट्स मिलेंगे। एक चिल्ड्रन को कितने 4 चॉकलेट्स मिलेंगे। बराबर, ये हमने कैसे किया, डिवाइडेशन किया, 20 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया सबको। ऐसे एग्जांपल आपने थर्ड स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, इफ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रन। यहाँ पे 21 फ्लावर्स दिए हैं और वो 7 चिल्ड्रन में डिवाइडेड करना है, लेकिन कैसे, इक्वली डिवाइडेड करना है। हाउ मेनी फ्लावर्स डस ईच चाइल्ड गेट, तो एक चाइल्ड को कितने फ्लावर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। फ्लावर्स कितने हैं 21, चिल्ड्रन कितने हैं 7, 21 डिवाइडेड बाय 7। एग्जांपल यहाँ पे हमने राइट किया है 21 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी एग्जांपल सॉल्व करना है। 7 के टेबल में 21 कितने नंबर पर आता है, 7 3 21, इसलिए ऊपर हमने लिखा 3, नीचे लिखा 21, 21 माइनस 21 0। बराबर, तो हर चाइल्ड को कितने फ्लावर्स मिलेंगे, 3 फ्लावर्स मिलेंगे। बराबर, एक चाइल्ड को कितने फ्लावर्स मिलेंगे, 3 फ्लावर्स मिलेंगे। इसी तरह आपने ये एग्जांपल सॉल्व किए थे। 3 नंबर का एग्जांपल देखिए, लेट अस अरेंज 15 डिवाइडेड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट एज 5 इज द डिवाइजर। लेट अस पुट 5 डॉट्स इन 1 रो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर नीडेड फॉर 15 डॉट्स। यहाँ पे आपको 15 डिवाइडेड बाय 5 करना है, लेकिन कैसे, डॉट निकाल के। 5 क्या है, इसमें डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर।
तो 5 डिवाइजर है, इसलिए एक रो में कितने डॉट आएंगे? 5 डॉट आएंगे, बराबर। तो भी आपको 5 डॉट का एक रो निकालना है। ऐसे कितने रो निकालने हैं जब तक आपके डॉट 15 भरेंगे, 15 डॉट आएंगे तब तक आपको रो निकालना है, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 डॉट निकाले, सेकंड रो में 5 निकाले यानी 5 प्लस 5 10 हो गए, और थर्ड रो में 5 डॉट निकाले यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, बराबर। तो यहाँ पे कितने रोज़ निकाले? 3 रोज़ निकाले यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। रॉ कितने आ गए हमारे? 3 आ गए, इसलिए आंसर आया 3। आप ऐसे भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल हमको इसी तरह डॉट निकाल के सॉल्व करने हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एग्जांपल डॉट निकाल के सॉल्व करना है। 2 इज़ द डिवाइज़र। 2 क्या है? डिवाइज़र है यानी 2 से हमको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। सो पुट 2 डॉट्स इन 1 रो। तो यहाँ पे 2 डिवाइज़र है, इसलिए 1 रो में कितने डॉट आएंगे? 2 डॉट आएंगे। यहाँ पे देखिए 1 रो में 2 डॉट निकाले हैं, सेकंड रो में 2 डॉट। अभी ये डॉट कब तक निकालने हैं? जब तक 8 डॉट आएंगे तब तक। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ पे 4 रो निकाले और 4 रो में 2 डॉट निकाले, और आंसर हमारा यहाँ पे आ गया है 4 रोज़ आर फॉर्म। कितने रो निकाले हमने? 4, इसलिए 4 रोज़ आर फॉर्म, हेंस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्या है? डिवाइज़र है। सो पुट 5 डॉट इन 1 रो। 1 रो में कितने डॉट निकालने हैं? 5 डॉट निकालने हैं। 1 2 3 4, एक लाइन में यानी एक रो में हमने 5 डॉट निकाले, और वो 5 डॉट कितने निकाले? जब तक 20 डॉट नहीं आएंगे तब तक वो डॉट निकाले। अभी 5 डॉट के हमने 4 रो निकाले, इसलिए 4 रो में 20 डॉट पूरे हो गए हैं यानी 4 रोज़ आर फॉर्म, हेंस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। समझ में आए बच्चों? इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना। आपको 2 डिजिट नंबर दिया है यहाँ पे 69, और 1 डिजिट नंबर दिया है 3। 69 डिवाइडेड बाय 3, तो ये डिवाइडेशन कैसे करना है? अभी सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की तरफ ध्यान देंगे। 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है? गुड, 3 2 जार 6, यानी ऊपर हमने 2 लिखा, नीचे 6 लिखा, 6 माइनस 6 0। 6 के बाद 9 नंबर है, ये 9 नंबर हमने नीचे लाया। फिर अभी 9, 3 के टेबल में 9 के कौन से नंबर पर आता है? वेरी गुड, 3 3 जार 9, ऊपर हमने 3 लिखा, 3 3 जार 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया 23, बराबर। तो देखिए बच्चों अभी इस एग्जांपल में 23 को हम बोलेंगे कॉन्शंस। क्या बोलेंगे? कॉन्शंस। 0 रिमाइंडर है, और 69 डिविडेंड है, और 3 डिवाइजर है।
ये सब ने ध्यान में रखना है, बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल है 64 डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल राइट कीजिए 64 डिवाइडेड बाय 2। 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 0, 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 0। एक एक नंबर नीचे लाकर हमको वो डिवाइडेशन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 88 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जार 8, 8 माइनस 8 0। अगला 8 हमने नीचे लाया, फिर से व्हाट 8 1s are 8, 8 माइनस 8 0, बराबर आंसर आया 11। नेक्स्ट एग्जांपल 84 डिवाइडेड बाय 4। 4 2s are 8, 8 माइनस 8 0, 4 नीचे लाया हमने, ये 4 नीचे लाया, 4 1s are 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट एग्जांपल 36 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s are 3, नीचे लाया हमने 0, 3 माइनस 3 0, 3 2, बाद में 6 हमने नीचे लाया, 3 2s are 6, 6 माइनस 6 0, आंसर आ गया 12। तो बच्चों इसी तरह आपको अगले एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं और आपको वो समझ लेना है। तो बच्चों इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व भी करने हैं और नोटबुक में भी राइट करने हैं। समझ में आया सबको, अच्छी तरह एग्जांपल समझ लेना है। थैंक यू।